पटना सेंट्रल स्कूल जगनपुरा में क्रॉसवर्ल्ड क्लब का उद्घाटन विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। विकास आयुक्त ने इस मौके पर कहा कि क्लब के जरिए छात्र एक दूसरे को इंटरैक्ट कर सकेंगे। वहीं स्कूल के डायरेक्टर बीके सुदर्शन ने कहा कि कई स्कूल केवल खेल के लिए जगह और सुविधाएं बनाने का सपना देख सकते हैं। सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हमने ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जो छात्रों को अनिवार्य शारीरिक खेल गतिविधियों के लिए समर्पित करने के लिए मजबूर करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के कार्यक्रम 2 साल पहले शुरू किए गए हैं। क्रॉसवर्ड क्लब का ये भारतीय आपने सुना होगा, तो क्रॉसवर्ड के आज के मॉडर्न वर्ल्ड के जनक हैं विवेक सिंह जी। तो इन्होंने क्रॉसवर्ड की शुरुआत की, क्रॉसवर्ड को किताबों से ला के पब्लिक पे लाया, और ये भारतीय नई शिक्षा पद्धति के आधार पर भी नहीं है, जो शिक्षा नीति उसके आधार पर भी क्रॉसवर्ड को सब जगह मान्यता मिली है। CBSE ने किया है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, हम लोगों ने भी इसकी शुरुआत 2 साल पहले की थी। दो साल प्रिंसिपल साहब हमारे बहुत एंथुसियास्टिक रहे और यहाँ दो साल से पहले हम लोग चला रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, बच्चों का जो माइंड है शार्पन होता है, उनकी बुद्धिमत्ता की जो दौड़ चलता है, क्योंकि आज के एजुकेशन बड़ा स्टैग्नेंट हो गया है, अस्थिर हो गया है, जो किताबों के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। जब तक एक्टिविटी नहीं होगी बच्चों के अंदर, एक्टिविटी का मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी का मतलब फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी, ये आज की शिक्षा नीति में इसी की ज़रूरत है। हम लोगों ने शुरुआत की है, आज इसके एक क्रॉसवर्ड यहीं से नेशनल की शुरुआत होगी, नेशनल शुरुआत होगी। सारे बच्चे हमारे जितने भी विद्यालय हैं बिहार झारखंड में उत्तराखंड में, जो भी हमारे विद्यालय, हम सब जगह इसकी शुरुआत करवा चुके हैं। स्कूल स्तर पे अभी पहली बार पटना सेंट्रल स्कूल ने 2 बहुत अच्छे काम किए। एक तो है कि क्रॉसवर्ड को अपने सिलेबस का पार्ट बनाया, अपने रूटीन का पार्ट बनाया, ताकि विद्यार्थी इसके महत्व को समझ सकें, और विशेष तौर से जो इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे भाषा है, भाषा तो सब भाषा बराबर है, तो उसके ज्ञान से बाद में स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा, आज एक क्रॉसवर्ड क्लब बना रहे हैं ये लोग, तो क्रॉसवर्ड क्लब का फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्रॉसवर्ड के विधा के जो नुआंसेज हैं, जो विभिन्न पहलू हैं, उनको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। उद्देश्य ये है कि एक इकलौता तो कहीं से भी बहुत अच्छा कर सकता है, मेधा रहेगा तो कर लेगा। पूरे विद्यालय के हर एक छात्र को क्रॉसवर्ड साक्षर बनाना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, ये एक चुनौती है जिसपे पटना सेंट्रल स्कूल ने बहुत अच्छा पहल किया। DNT न्यूज़ के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।